दासी बाबूजी एक बार पूरन के बलाई के लाए रही हाँ। अब की शंखपति राजा के पास जाए के का कहती है हाँ। अरे किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई दी, किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई दी, तुरंत उठे दरबार से राजा चिंता अपार गई, बैठ गोड़ पे शंखपति सीधे महलों का ताकाई, गए बुलंदे के अंता पे दासी फाटक खुलवाई, राजा गए महल के अंदर देखी दशा कर घबराई, सारी तन के फाट गई है अंगन पड़ता देखाई। ये भैया राजा साहेब घोड़ा पे बैठ के जोने समय फुलंदे के अंटा पे पहुंचे, फाटक खुलवाई दी राजा के आवे बदे स्वागत में, और राजा महल के अंदर पहुंच के उनकी दशा देखते हैं, तो राजा बाबूजी आश्चर्य में पड़ गए, टूट बंद चाली कह देते फूट चूड़िया छितराई, लाल गल पे दाग पड़ा जस राम जी गनवाई उपजाई, काजल बही गए नैनन कह लाल होठ गए दूराई, काजल बही गए नैनन कह लाल होठ गए दूराई, टूट कर धनी कान कबाली नथनी नोक करा पाई, दशा करा पया है रानी के गोर बदन काली छाई, पूछे राजा रानी से आई कहां से आपत कह आई, जल्दी हाल बतावा रानी के कैकाल गवाई, रानी कहे सोच ल राजा सुन के ज्यादा पगलाई, तोरे लड़का पूरन मलई हाल हमारी कहनाई। माधव राम के दहिने पे शारद बैठी आसन ढाई, कही पिया अगर वह गुनागार के नाम बता दे हाँ। तो तुहार होश हवास कुल उड़ जाए, तो देखे हाँ। का कहती है, अरे राम या धीरतिया, हे राम या धीरतिया, लूटे पूरन मलई मनवा धीरतिया, लूटे लूटे पूरन मली मनोया धीरती है। भाई भैया एक चीज याद आ गई, एक ठुल्लो मड़ी रही जाते रही राही में अंगूरे के पेड़ देखी लच्छेदार लटका रहे हाँ। और खूब झटका मारी कूद कूद, लेकिन ये कब अंगूर ना पाई हाँ। और जब अंगूर ना पाई हाँ। तो दूसरके से कह दिया हाँ। परेशान जिन हुआ अंगूर खट्टा हाँ। आज वह है दशा रानी फूलंदे के बा बाबू जी हाँ। सारा कसूर तो अपन बा हाँ। लेकिन सब उल्टा पुलटा बतावती है राजन शंखपति से हाँ। कि तोड़े चोली के बना नमाया धीरती, तोड़े चोली के बना नमाया, अरे वही समय में पूरन आए, अरे खोल कहले के मणिया, डरिया लागे ना सजाना मारा भी रतिया, डरिया लागे ना सजाना Yeah.
पूरन मल बे खटके। अरे हमारी दवाई ले है कोखा में, अरे पकड़ कमरिया झटके, पटके मझरे अंगनमा धीरतिया, पटके मझरे अंगनमा बचावे खातिर गई पिया जिदियाई। एक बात ना पूरन माने, अरे बहुत तरह समझाई, अपाई हम कहाँ ठिकाना दिया, अपाई हम कहाँ सुन ले हमार और कान खोल के सुन ले कि तू अपने महल मा ये हमारे बदे लागत बा कोनो साढ़ पाले हका कि जब जेके मन कहते हमारे कमरा महल मन मानी करे। अरे अपनी तैया भी यही के लाया मनिया भरा सिंदूर, यश कपूत खाई महुरवा दे के पिया हाँ अपने ही महल में हम जान दे देवा तोरे न खर्ची। ए भैया तिरिया चरित्र तो बड़ा अजीब बा, एका दुनिया में क्यों जान ना पाई, हो सकत हमारे सुरंदर आसाराम जानत हो। देखा अब तिरिया चरित्र चालू बा कि छोड़ी भोकार फुलंदे रोवे रहब न घर मा साजन, राजा शंखपति घबराई के उनका विश्वास ना पड़त बा कि हमार लड़का पूरन मल यही गलती कह सका। अरे सुन के बतिया फूलन दे के, अरे राजा गए घबराए तो कह रानी बनायू न खरवाना, कह रानी बनायू कसुरवाना, 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 कसु
पौनी समय गाठी पहुंची है पूरन अरे भागे छोड़ी हबी रवाना भागे छोड़ी भगवान इनका दे दे हमें लागत भगवानों इनसे खुश रहा। देखा फेटा कटार लाई के राजा के सामने जब रखते हैं पहले राजा के विश्वास नाय होता रहा कि हमार बेटवा पूरनमल इतना घिनौना काम कर सका थे इतनी घिनौनी हरकत कर सका थे तो रानी बाबू जी लाई को फेटा और कटार राजा संघपति के सामने रख दी। जब फेटा कटार राजा संघपति देखे तो बाबूजी क्रोध से लाल होंगे यकीन होगा विश्वास होगा। अरे पड़गा यकीन तब राजा के दिल में आए रहे पूरन भी घाती औरत की जाति एक निर्दोष बच्चा बाबूजी बड़ी दुविधा में फंस गया। महाराज के विश्वास हो गया कि हमारे लड़किया पूरन हमारी दूसरी रानी फुलंदे के साथ बड़ी बदकारी की है और डांट डपट
सब लगाए बाबूजी तो पूरन के आंख में आंसू भरिया आंसू भरिया हाथ जोड़ के कहे लगा कि हे पिता आपके अपने बच्चा पर विश्वास सुना ना इतनी बड़ी जिंदगी में केहू महतारी बहन के ऊपर गलत निगाह कैके ना देखे है। ये तो हमारे घरे में हमार सगी महतारी के सामने है समान है इसे तो हम सोचू ना सके सूरज पूरब से पक्षु उदय हो सकत पिताजी पर्वत राई बन सकत है और सगरो नदियां पूरब से पक्षु बह सकत ही लेकिन आपका इलाल पूरनमल ऐसा हरकत कबो ना कर सकत देखे बाबू जी आज पूरन बड़ी दुविधा में कहता है अरे दासी कभे जी हमें बुलवाई अरे कहीं चढ़ा बाटे उनके अरे मौसी बोलावती यहाँ महला में अरे चल कैया आधी रात बुलवाई कि हम बहुत बीमार हैं तो महतारी के कष्ट सुन के पिताजी हम उनसे मिले बदे चला गए ऐसे ज्यादा कसूर हमार कौनो ना और जैसे इतनी बात पूरन कहत है तो रानी बाबूजी टपक पड़ी अरे रानी कहे पूरन अरे झूठिया जब बली ब्याह अरे खींच ले बजिबिया खींच लोगी याद रख मेरी बात ध्यान से सुन हरामजादा अरे खींच ले बजिबिया पूरन बोलिबिया बात बनाई जी किहा बेजती आधी रतिया हमका जान पराई जी रानी बोली प्राणनाथ अब खाई जहर मर जाई जी मुहना देख पूरन मल के हमें कलंक लगाई जी दरबार में पहुंचे हुकुम दिए फरमाई जी हाजी हो पूरन मल के रब राजा दिए सुनाई जी रोव पूरन मल महलन में विधन गया चढ़ाई जी क्यों सहारा ना दुनिया में के का दई दुहाई जी चलिए महारानी ने किया आपको वाह वक्त सुनने वाले दोस्त ये सब वक्त की बात है आज नाजुक उम्र पूरन निर्दोष बाबू जी महल मा दोषी ठहराए दिन का दोनों आंख आंसू से भरी है हाथ जोड़े खड़ा है कि पूरन रोई छोड़ी भगवान हरे दुश्मन हो गए पिता हमार मौसी बोई दही अंगार जाई कहाँ सुनाई अपन हम फरिया विधि ज
जो खींचे मत लकीर होता जो न लिखा तकदीर। राजा लिखत है तहरीर नीर नैनो से पूरन के बहत। हर बह नीर नैनो से रोवे पूरन पीट के मथवाजी। बदन कसा जंजीर से बाटे बाधा दुइनो हथवाजी। हर विधाता कौन भूल भय कब के रहा कसुरवाजी। दुश्मन बन गए पिता हमारे के कहता की यशवाजी। हाल बतावे अम्बा देश जो माली कई के दवाजी। बाबूजी रोय रोय पूरन मलक सागरो हाल। मालिक लड़का जाए के बड़ की रानी अम्बादे से सारी बात सारा इजहार करता है। आज में है पूरन मलका राजा फांसी के सजवाजी। सुनते पागल भय मातारी छोड़ी पीट के मथवाजी। सुनते पागल भय मातारी दौड़ी पीट के मथवाजी। रोते गए दरबार में रानी राजा जी के अगवाजी। हिचकी भर के रानी रोवे कहे पीट के मथवाजी। रानी रावण लट छित राए। अरे पूरन कवन भूल कैना है बाटा फांसी पे चढ़ाए। मर डारे हर बोला बोला पिया हमारे जीव हम के करे सहार। बिललन कि राजा कहीं सुना महारानी। अरे कायम रही है जिंदगानी जन्मे बहुत पुत्र बलवानी। ये जन्म जन्मे बहुत पुत्र बलवानी। महारानी अम्बादे बाबूजी रोज रोज कहा थे कि ए पिया हमार बेटो ऐस कौन भूल कह देबा जो नक फांसी के सजा देता है। अगर हमारे लाल का फांसी हो जाए तो पिया हम के करे सहारे रहब। राजा के बाबूजी जरा सिदर्द ना आवत यह है। आज रानी से कहते हैं कि महतारी समान फुलंदे के लाज लूटे है पूरे। इनका फांसी पे जरूर लटकावा जाई और जिंदगी रहे तो रानी तू चिंता न करा। बहुत पुत्र आई ए भैया। अरे जोने लाल का मातारी 9 महीना कोख में पाले बा। तेल बुकवा अपने हाथी कहे बा अंगड़ी पकड़ के चलावे सिखाए। आज वह लाल के फांसी होए तो का ये सुन के कहाँ से तसल्ली आए कि हम तुहु रहब तो बहुत बेटवा हुई। कि रानी कहन लगी बिलखाई। कि रानी कहन लगी बिलखाई। हर मानी भीग पोछ फैलाई बिहार आज लौटाई। मोर सुगनवा बिहार आज
फैला के तू से भीख मांगत ही के हमारे लाल के बख्श द बदले में हमार जान ले ला, हमें फांसी पर लटका दा कि पूरन बिना जियब ना नाथ। अरे काटा ना बतवा के माथ छूटे साथ हम गवाई दे इंसाफ। अरे कर बैना पूरन का माफ तू का साफ हम बताई कर कि पागल भय अम्बा दे रानी। अरे सवती के गोड़वा पे भहरानी बहनी कैदा मेहरबानी तू बहनी कैदा मेहरबानी। छोरा नैन पुतरिया अरे मर जाए तड़फे महतरिया और मारा बड़ कटरिया हमरे घर धनवाना मारा बड़ कटरिया हमरे। कि होए राज काज भी धन से अरे बहन ना करा हमें निर्वंश दुनों के बीच एक अंश बानी सनवाना दुनों के बीच। कहा थे ये बहन अरे हमारे तोहरे बीच में एक के अंश बा एक के दीपक बा राज के ये कुल के हमार कहा मान के हमार बिनती मान के वह लाल के बख्शदा कटार बदले में हमारे गर्दन पे चला दा अनाहित तो निर्वंश हो जाए। कहे फुलंदे सुना सवतिया कहे फुलंदे सुना सवतिया। अरे इनका देख जरती बछतिया बिना दवाए फसिया ना कर भोजन कि पूरन जियत बचैना पहे पूरन जियत बचैना पहे। अरे हमारे चैन तबले हुई है जबले पहन ली है तन पे जबले पहन ली है। एकदम उतारू रहा किता की महल छोड़ के भाग जाए और जब तक पूरन के ऊपर कफन न पहुंच जाए तब तक हम भोजन न कर। अरे जबले पहन ली है तन पे कफन जबले पहन ली है।
ये बड़का भैया समय बड़ा अजीबो गरीब होते। आज महतारी बेतवा दोनों जने जान के भीख मांगे, लेकिन न राजा की तरह से आई न महारानी की तरह से आई, और महतारी बेचारी भुकार छोड़ के दरबार में रोती है। बेटवा अपने महतारी के आंसू देख के बाबूजी जमीन पे टप टप आंख से आंसू गिरावत है और कहता है, हे माई हे महतारी हमार बात सुना, ये माया के नगरिया। और रोए लगा, रोए के देखे बाबूजी का कहता है, अरे नगरिया में क्यों ना अपना पूरन कहन लगे जिन रोवा महतरिया, नगरिया में क्यों ना अपना तजके सब क्यों महले टरिया, नगरिया में क्यों न अपना। तो ये महतारी एक दिन आ बाजे ये धरती से चल जाए, आप हमार चिंता न करा। आहे आखिरी मिलन आपसे एक बार गले लगाओ, कहे महतारी ये हमारा आपके आखिरी मिलन बा, एक बार अपनी ममता भरी छाती से ये लाल का लगाए ले महतारी। आहे आखिरी मिलन आपसे एक बेर गले लगा, अरे निकले पिजरे से सुगना अब, अरे लालन का बिसरावा राम, नगरिया में क्यों ना अपना। माता के मेटे जो लिखाया है तकदीरिया, नगरिया में क्यों ना अपना। कहे महतारी हमें ये गम नाना कि हमें फांसी हो जाती है, लेकिन ये अफसोस हमें बड़ा भारी बा जो हमारे माथे पे कलंक लाग जात बा। यह एक अफसोस बा जो माथे लगा कलंक, अरे लेकिन हम निर्दोष यही, अरे यही से है निरसंख्य नगरिया।
दुनिया में क्यों ना अपना। अब तो मौसी बनी पाप पहला किरिया नगरिया में क्यों ना अपना। अब तो मौसी अम्बा देवानी गिरी पछाड़ा खाए भय बेहोश अम्बा देवानी अरे राजा बोले पूरन मलका अरे फांसी पे देव चढ़ाई हो नगरिया में क्यों ना अपना। फेका लाश जाय के कुआं के भीतरिया नगरिया में क्यों ना अपना। यह किस्म से जब राजा सजा सुनाए कि फांसी पर चढ़वाए दा और इनके लाश उठाए के कुआं के अंदर डाल दा तो बाबू जी बात सुन के पूरन मल के करेजा फाटी लगा कि अरे बाप है हम तो हर बेटवा ही इतना बड़ा कशरपन जिनकरा पिताजी। अरे यही किस्म से राजा जी बोले अरे पूरन के छुट्टी रवाई कि पिता लसिया दिया दफनाई ना पिता लसिया दिया अरे मरती की गरिया सुना हमरे बपई जा हमरे यार से मिलाई ना राम जा हमरे बाबू हमारी लाश का कुआं मन डलवाया पिताजी सजा चाहे जौन दे दा लेकिन पिताजी आपके लाल है ये महल के वंश है दुई गज कफन तो जरूर हमारे शरीर पर दे के ढाक दिया। और एक बात आखिरी मांगन हमारे भाई आपसे अब तो पिता के माता के यह नगर के ममता सब छोड़ के हमें पराए लोक में जाए कुबा कि मरती के बेरिया हमारे मालिक के लड़का जो हमारे दोस्त हैं कि हे पिताजी एक बेरी मिलाए दा पिताजी एक बेरी मिलाए दा। तो राजा बाबू जी मालिक के लड़का के बुलवाए अरे मालिक के लड़का समनवा जब आए लेह पूरन गले से लगाई ना लेह पूरन गले से दोनों गले मिलके रोए लगे बाबूजी। वो बात याद आती बा जौन बगैचा मा मालिक का लड़का कह रहा कि दोस्त दाल में काला लागत बा तार मौसी जब से आई तुहे कबो ना याद की ही। आज याद ही रात याद करे कि मतलब कुछ गड़बड़ बा दोस्त हमार बात ना माना आज हमार तोहार आखिरी मिलन बा। अरे बतिया तोहार यार मानन न रतिया अरे काल हमई लई गई अरे फांसी पे दोष तुहें झूलई न दे भई राजा का देव नि पटाई ना पहले राजा का
लैके कटार मुड़ राजा कई काटब पिछवा चाहे मारी छाई नाराज पिछवा चाहे परेशान ना हमारे सिर पे काल सवार बा, इस दुनिया में हमें क्यों ना बचा सकत। पिता के आदेश बा तो हमें फांसी पे हसत हसत झूल जाएगा मेरे दोस्त। हमार तोहार आखिरी मिलन होइगे, हमें तसल्ली होगी। आप हमारे पिता के साथ ऐसा कोनो गलती न करी है कि जोने से हम परलोक जाए के परेशान हुई पिता के बदे। दोस्ती में दाग न लगाया, हमें वादा करा, हमें वचन दा। बाबूजी सच्चे दोस्त का जो फर्ज होता है वो हमारी निभाया। आगे देखें कि क्यों ना बचा पाए भैया पूरन मल बतलाए सुना हुकुम दई दे है राजा जी दया फांसी पे लटकाए सुना फांसी होई पूरन मल का परजा सब चिल्लाए सुना पूरन मल कैलाश दिया एक कुआं में फेंकवाए सुना बिना अखिया पूरन के बोरे से दी लटियाए सुना जाने कुआं में पूरन मल कैलाश रहे फेंकवाए सुना वही कुआं पे गोरख गुर पे जमात पहुंची आए सुना लाश निकारे कुना से कुछ देख रहे पछताए सुना लाश निकारे कुना से गुरु देख रहे अपने योग के बल से फिर पूरन का दिए जियाए राजा रानी पूरन के फांसी दे के बाद लाश कुना में बिना कफन के बहाय दे बाबूजी और उनके आंख जल्लादर से निकलवाई के रानी के दे कलेजा दे। रानी इतनी निर्दयी है बाबूजी कि अपने दोनों पैर से कलेजा आंख जमीन पर लतियावे लगे। तो आप सबसे हमार निवेदन बा सुने वाले भैयन से कि ऐसा नारी घर में क्यों जीने लाया और हो सके तो एक्के मेहरारू से ब्याह किया। अगर एक्को लड़किया बा बाबूजी तो दूसर की नारी न लाया। चाहे जिंदगी सुख से बीते चाहे दुख से बीते तो हमार गवैयन के हमारे गवैयन के आप सबसे यही निवेदन बा कि नीर नैनो से पूरन के बहे जग माजे के सही ईमान ओ के रक्षक है भगवान। अरे पूरन लिया गुरु से ज्ञान रातो दिन गुरु की सेवा में रहता प्रिय श्रोता बंधु ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की रचना है भक्त पूरन मल का पहला भाग
यही खत्म होता है। दासी बाबूजी एक बार पूरन के बलाई के लाए रही, अब की शंखपति राजा के पास जाए के का कहती है। अरे किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई दी, किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई दी, तुरंत उठे दरबार से राजा चिंता अपार गई, बैठ गोड़ पे शंखपति।